तो सिवनी से निर्दलीय विधायक मुनमुन राय को भाजपा में शामिल किए जाने पर सिवनी की भाजपा जिला अध्यक्ष नीता परेरिया आहत नजर आई। उन्होंने मुनमुन राय पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मुनमुन राय संस्कारवान हो जाएंगे। बता दें कि विधायक मुनमुन राय पर नीता पटेरिया के पल्लू से हाथ पोछने का आरोप था, साथ ही उन्होंने नीता पटेरिया को विषकन्या भी कहा था। ऐसे में मुनमुन राय को भाजपा में शामिल किए जाने पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। नीता पटेरिया से बात की हमारे संवाददाता सुधीर रंदोतिया ने। बीजेपी में शामिल हुए जी, आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे क्या? अब जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे और 13,000 से उस समय हारे भी थे, हम जीते थे, विधायक बने। 2013 में हमें टिकट पार्टी ने नहीं दी और बस। क्या अब बीजेपी में आया तो लगता नहीं कि चुनावी दावेदारी जो थी उस पर कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता थोड़ी सी बढ़ी है? ये तो सब पार्टी तय करती है किसको चुनाव लड़ना, और भाजपा ने ठाना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो जब हम सब ऐसे सभी लोगों को भाजपा में लाएंगे तभी तो कांग्रेस और ये सब खत्म होगी देश में। आपको लेकर टिप्पणी उन्होंने की थी, मन में मना किया? जी निश्चित की थी, हमारे पल्लू से उन्होंने हाथ पोछा था मंच पर, उन्होंने विषकन्या भी कहा था, लेकिन उस समय भी भाजपा में नहीं थे। अब भाजपा में आ गए तो वो संस्कारवान हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा एक समुद्र है संस्कारों का, यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, अब वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मन में मना कर लीजिए वो आगे और आपके लिए कंपटीशन है? नहीं, काहे का कंपटीशन, 13 में पार्टी ने हमें टिकट दी ही नहीं थी, 8 में हमें टिकट दी थी, मुनमुन राय जी से हमारा कंपटीशन था, वे हमसे 13,000 लगभग वोट से हारे थे, तो ये कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, तो पार्टी तय करती है कब किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। क्या माना जाए कि सही आदमी को लिया है, ये मान के चल रही है? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जब तय किया है तो वो निश्चित ही सर्वोत्तम निर्णय होगा।